का आदमी नहीं हूं, मैं किसी का पार्टी का नहीं हूं, मेरा एक ही पार्टी है, वो है पुलिस पार्टी, मुमरा पुलिस स्टेशन पुलिस पार्टी, मेरी कोई पार्टी नहीं है वो पार्टी के सिवा, और ना मैं किसी का आदमी हूं, मैं हर आदमी का भाई हूं, हर आदमी का दोस्त हूं, हर आदमी का बेटा हूं, लेकिन मैं किसी का आदमी नहीं हूं, ना मैं आदमी बनता हूं ना बनूंगा, जब तक मेरे में दम है तब तक तो नहीं बनूंगा। दूसरी बात, बच्चों को एक टॉपिक के लिए बोल रहा हूं कि जो बच्चे ट्रिपल सीट डबल सीट जो भगाते हैं गाड़ी चलाते हैं एक्सीडेंट होता है, अभी आप लोग विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाते हैं, दिल्ली में ऐसे ही किसी ने एक्सीडेंट कर दिया बेटे ने और आदमी एक्सपायर हो गया, तो आपको क्या लगता है बेटा तो छूट जाएगा? अभी ऐसा नहीं है, जिसका बेटा छोटा है जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसके बाप को जेल में रख दिया, उसका बेटा बाप अभी 10 दिन से जेल में है। आप पूछो दिल्ली की घटना है तो बच्चों लोग को गाड़ी देते टाइम भी सोचो। दूसरी बात, आपका जो गांव में शहर में जो ट्रैफिक का रूल है उसके तरफ ख्याल दो, ये जो मैं चढ़ते अपने चढ़ाव पे वही रिक्शा लगती है, वहां रिक्शा लगते हैं उसके पास नहीं बैठो, आगे पीछे वाला है उसके पास बैठो, उसको समझेगा कि अरे पीछे क्यों जा रहा है, तो अपन ने पीछे आना चाहिए, क्योंकि आदमी चढ़ने वाला आदमी चढ़ाव पे वो रिटर्न आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए इसमें भी ख्याल देना जरूरी है। पुलिस मित्र बनो, यही मैं आपको आखिरी आह्वान देता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 125वीं जयंती है, जिस बाबा साहब ने संविधान में संविधान लिखा है, जिस बाबा साहब के संविधान पे हिंदुस्तान इंडिया चल रहा है, ऐसे महान व्यक्ति की 14 अप्रैल को जयंती है, उसमें पुलिस मित्र बनकर साथ देना है पुलिस को, ऐसे मैं आपको विनंती करता हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ, जय हिंद जय महाराष्ट्र। मम्मी मम्मी इनके लिए है, इनको इतना तकलीफ होता है, वो क्या काम है बोलो, अगर जवान बेटा भी है ना तो 11 बजे तक सोता है और माँ 4 बजे उठ के पानी भरती है, शर्म आनी चाहिए ऐसे बेटे को, और पानी का इतना मिस, पानी आज बहुत महंगी चीज है, जीवन को जोदान देने वाली जान बचाने वाली एक ही चीज है पानी, उसको संभाल के यूज करो, और जितने जवान बच्चे ना अगर अपनी माँ अगर 4 बजे उठ के पानी भरती है तो उसको जवानी पे मुझे बहुत बुरा लगेगा बोलने पे, तो अपने माँ को बहन को अपने चाची को अपने भाभी को पानी भरने को मदद करो, और पानी का यूटिलाइज बहुत कम करो, पानी बहुत अपने को 2 महीना तकलीफ है, मुमरा में पानी आता ऐसा नहीं है, मुमरा में नहीं आता ऐसा भी नहीं है, बाजू में देखो गंदगी है, इतना बड़ा शहर है कल्याण, इतना बड़ा शहर है उल्लासनगर, कल्याण से पानी जाता है वहां नहीं पानी मिल रहा है 2-3 दिन, जहां लातूर में जो साहब थे देशमुख साहब उनके गांव में ट्रेन से पानी लेके गए, 15 दिन में एक बार आता है पानी, दुनिया में 8 दिन के बाद 15 दिन के बाद आता है, 40 गांव में ऐसे आता है, औरंगाबाद में नहीं, बीड पर बने उस्मानाबाद में 8-10 दिन के बाद पानी आता है, तो पानी में ज्यादा बहस नहीं करो, झगड़ा नहीं करो, पानी हर जगह पानी का प्रॉब्लम है, तो मैं मेरी माता बहना अम्मी मम्मी खाला आपा के लिए बोल रहा हूँ कि बच्चों लोगों ने भी ख्याल देना चाहिए, पानी भरना चाहिए, पानी नहीं आता तो उसको पानी को संभाल के वापरना चाहिए, ताकि बचा आधा बकेट पानी फेंक दो, कल का पानी पकड़ भरेला है वो कल से भरा खराब हो गया, पानी कभी खराब नहीं होता है, पानी नदी में सालों साल पड़े रहता है, पानी तालाब में साल साल पड़े रहता है, वो खराब होता है वही तो पीते हैं अपन, और घर में का मटके का पानी कैसे खराब होता है, तो मटके का पानी यूज करो फेंको मत, ये मैं सबको विनती करता हूँ, दूध बचाओ पानी बचाओ, पानी बचाओ दूध बचाओ। अभी मान्यवर और मंच के सामने बैठे मेरे भाई और बहनों माताओं, अभी इन्होंने जो बताया ज्यादा ये मत करिए, ये कोई भी काम अपना जो पुलिस वाला करता है तो हमें क्या है, कोई भी दुर्घटना या कोई ऐसा है हादसा होता है तो हमें जो जितना जल्दी समझ जाता है तो उतना जल्दी उसमें हम एक्शन में आ जाते हैं, तो पब्लिक का भी ये काम है कि कोई भी दुर्घटना या कोई हादसा होता है तो जल्द से जल्द पुलिस को बताना चाहिए। अभी आजकल क्या होता है कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि पुलिस को बताने के लिए लोग डरते हैं, या हमारा नाम जाएगा मोबाइल नंबर जाएगा उधर, फिर हमारी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी, तुमको कैसा पता चला, तुम उधर कैसे थे, ऐसा पुलिस का
कोई भी एक्सीडेंट होता है या कोई ऐसा जो दुर्घटना होती है तो पुलिस को डर से लोग मदद नहीं करते, और जो मदद नहीं होती तो फिर जो जान बचने वाले है कोई जिसकी या कोई आगे बढ़ने वाला हादसा होता है तो वो चल सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है कि पुलिस को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करना चाहिए, बताना चाहिए, और उसके लिए अपना पुलिस और आपका एक दूसरे का मिलाप बराबर होना चाहिए, हमारे ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए कि बाबा इनको हमने बताया कुछ इन्फॉर्मेशन दिया तो उसका ये पुलिस वाले गलत इन्फॉर्मेश नहीं निकालेंगे या कोई अपने इसमें आपको फंसाएंगे नहीं, ऐसा इतना विश्वास जरूरी है। तो ये एक दूसरे के लिए इसी पुलिस और आपको अभी इसके वास्ते हमारे डीजी साहब ने या थाड़े साहब ने बताया ना, अभी पुलिस मित्र का जो ये निकाला है इसके पहले हम शांतता कमेटी या मोहल्ला कमेटी कौमी एकता वगैरह ऐसा जो लोग लेते थे उसी तरह यह पुलिस मित्र जो है उसी टाइप के लोग जो पुलिस के साथ रहना चाहते हैं, पुलिस की मदद करना चाहते हैं, या पुलिस की मदद लेके अपना मोहल्ले में अपने जो अभी कॉलोनी है या ऐसे इसमें शांति बरकरार रखने के लिए पुलिस का साथ देना चाहते हैं, उनको हम लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि यंग या सभी महिलाएं आ सकते हैं, कई बुजुर्ग भी आ सकते हैं इसमें, तो हमको जो है पुलिस को क्या है हर जगह पुलिस तो नहीं देख सकती, हमारे जो अपने सीआईडी वगैरह लोग रहते हैं वो तो देख सकते हैं, लेकिन वो भी कितने लोग हैं कि कहाँ कहाँ जो घूमेंगे ऐसा, तो कोई भी कुछ इन्फॉर्मेशन है या पुलिस को पता चलता है तो उसके लिए उसके ऊपर अमल करने के लिए आपकी तरफ से हमको इन्फॉर्मेशन आना जरूरी है, जिसकी वजह से आगे चलने वाले कोई दुर्घटना होती है कोई हादसा होने वाला है तो चल सकता है। हमारे अभी यहाँ सभी बॉम्बे कॉलोनी के लोगों ने पुलिस को जो आज तक सहयोग दिया है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, और आगे चल के अभी आने वाले जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती है, बाकी जो महावीर जयंती है, रामनवमी है, हनुमान जयंती है, अभी 4 इसमें अप्रैल में आने वाले हैं, तो इसमें जो है आप लोगों को भी अपने शांति बरकरार रखने के लिए अपने इलाके में या मोहल्ले में कोई अनजान आदमी या कोई ऐसा आता है या कोई अनजान कोई चीज़ इधर उधर मिलती है आपको तो वो भी इन्फॉर्म करना चाहिए पुलिस को, ये आदमी का है नया लग रहा है कोई का इसका इरादा ठीक नहीं लग रहा है, तो ऐसे भी पुलिस को थोड़ा ये करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि बड़े बड़े जो जुड़े खेलते हैं उसमें तो किसी को कुछ ये करने का और या दुर्घटना करने का कोई ये करने का रहता है तो इसमें फायदा ले सकते हैं, तो पुलिस को जो है अपना हम आपको ये करते थे कि वह आप अपने इलाके में सबके ऊपर ध्यान रख सकते हैं, ये आदमी नया लग रहा है, ये कोई बाहर से आया है या कोई इसका ठाव ठिकाना नहीं किधर रहता है क्या नहीं, लेकिन आजकल घूमता है, अभी अपने छुट्टियाँ लग रही है बच्चे लोगों को तो गाँव जाने वाले लोग रहते हैं किधर किधर अपने मुल्क में जाते हैं तो घर में अपना ताला लगा के निकल जाते हैं, लेकिन बाजू वाले को मालूम नहीं चलता कि लेकिन चोर चक्कों को क्या है उसमें लाइट नहीं रहती तो वो क्या करते हैं हाँ उसको चोरी कर देते हैं, और उसको घर का जो सामान है जो ज्वेलरी वगैरह है तो वो लेके जा सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों को भी ये जरूरी है कि अपने सोसाइटी में सबको चेयरमैन या सेक्रेटरी ने सबको बताना चाहिए कि कोई अगर बाहर जाता है तो दूसरे एक दूसरे के घर पर ध्यान रखो, अपना जो चीज़ है कीमती चीज़ है वो बैंक में या लॉकर में रखना चाहिए या अपना साथ में लेकर जाना चाहिए, ऐसा थोड़ा ये करके आप पुलिस को सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि बाद में हमारे लोग भी नाइट में इतना कम रहते हैं कि ज़्यादातर सभी जगह या सभी बिल्डिंग में देख नहीं सकते। अभी ताइडे साहब ने बताया कि सीसीटीवी भी लगाना जरूरी है, हर एक सोसाइटी में अगर सीसीटीवी लगाया तो सीसीटीवी से आप लोगों को जो भी कोई घटना होती है कोई अंदर आता है चोर वगैरह कोई दूसरे के इरादे से आता है तो आपको पता चल सकता है कि वो उसका, तो बाद में हम पुलिस को ट्रेस करने के लिए आसान रहता है कि इसने किसने किया होगा क्या है, और अभी ये जो आने वाले जो ये है उत्सव और उसके बाद में जो माहौल जो है वो शांतिपूर्ण रहने के लिए आपका जो सहयोग है हमें ऐसा ही सहयोग चाहिए, और ये पुलिस मित्र का जो सही यह है तो इसमें जो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए तो आप लोगों को जो भी है पुलिस का ही काम देंगे, और जो भी है आपसे ये पुलिस का जो ड्यूटी है ये नाइट राउंड में या कोई रात को बस करने के लिए
कि आपने कुछ जो इलाके में कोई हमारे समन्स वगैरह रहते हैं उधर हमारे बीट मास्टर के साथ में गाड़ी पे जा सकते हैं, जो भी यंग बच्चे हैं इसमें शामिल हो सकते हैं, ऐसे मैं आपको सबको विनती करता हूँ। और आगे ये जो इसमें मुझे शरीक करने के लिए आप सहयोग को मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और मेरे दो शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।